Chapter 35, question number 20. The wire ABC shown in figure forms an equilateral triangle. Find the magnetic field B at the center O of the triangle, assuming the wire to be uniform. Question में कहा गया है, यदि हम एज्यूम कर लें कि एक वायर ABC, जैसा कि इस फिगर में इस पॉइंट A, B और यह C, इन तीनों पॉइंट से एक वायर दिखाई गई है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करती है और यहां से करंट एंटर करता है और इस पॉइंट से लीव कर जाता है। हमें यह गिवन नहीं कि कितना करंट एंटर करता है, हम एक बार यहां पर मान लेते हैं कि 2i करंट एंटर कर रहा है। तो 2i करंट का एक पार्ट तो यहां चला जाएगा जो कि i होगा, जो वायर AB में जाएगा, और दूसरा करंट वायर AC में जो कि i होगा। इसके बाद यह दोनों करंट की डायरेक्शन सेंट्रल पॉइंट की तरफ, हम इस पॉइंट को D कंसीडर कर लेते हैं, तो करंट C से D की तरफ i जाएगा और B से D की तरफ भी i जाएगा। यह दोनों करंट फिर से 2i बन के बाहर आ जाएंगे, मीन्स 2i करंट सर्किट में एंटर कर रहा है और 2i करंट ही लीव कर रहा है। जो यह सेंट्रल पॉइंट O है, हमें इस O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम यह देख लें कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यह फॉर्मूला यूज होगा। अब हम वायर AB की वजह से पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और वायर AB के दोनों एंड्स सेंटर O के ऊपर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, जैसे कि यह एंगल 60 डिग्री दिखा रखा है और यह दूसरा एंगल जो यहाँ पर बनेगा यह भी 60 डिग्री होगा। हैंड्स हमारे पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। सिमिलरली इस फॉर्मूले का यूज करके अब हम वायर AC की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। इस सेंट्रल पॉइंट O के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, बट डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। सिमिलरली अब हम वायर BD के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर इस डी एंड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है और यह ओ पॉइंट वायर बीडी के बी एंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। सो यह बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए यह ओनली बच जाएगा साइन 60 डिग्री। राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। अब हम इस सेंट्रल पॉइंट O पे वायर DC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, क्योंकि D एंड के साथ यह O पॉइंट 0 डिग्री एंगल बना रहा है और O पॉइंट एंड C के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो सेम पहले वाले की तरह यह भी आ जाएगा साइन 60 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। सो हम देख सकते हैं यह फर्स्ट वाला और सेकंड वाला यह इक्वल है और अपोजिट है, यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली यह थर्ड और फोर्थ यह भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। यही अपना आंसर है। थैंक यू वेरी मच।